नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि उसके पास एक अच्छी कार हो, वो अपनी कार में घूमे फिरे, ऐश करे, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाए। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी कारों की लिस्ट जिनका प्राइस 2021 में 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक रहने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक अच्छी कार ढूंढने में आपकी हेल्प करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर है मारुति सुजुकी की वेगनार, जिसका न्यू फेसलिफ्ट 2021 के फरवरी महीने में आ जाएगा। दोस्तों, इसका प्राइस रहने वाला है 9 लाख रुपए से 10 लाख रुपए एक्स शोरूम दिल्ली। वहीं दोस्तों, सेकंड नंबर पर है टाटा HBX, जो सबसे सस्ती इंडियन SUV होने वाली है फ्यूचर में। इसको भी टाटा 2021 के जून महीने में लॉन्च कर रहा है, जिसका प्राइस 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक रहने वाला है एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं दोस्तों, थर्ड नंबर पर है टाटा टियागो EV, जिसको 2021 के मार्च में लॉन्च किया जाएगा। कीमत रहने वाली है 5 लाख से 7 लाख रुपए एक्स शोरूम दिल्ली। दोस्तों, फोर्थ नंबर पर है होंडा अमेज, जिसका न्यू फेसलिफ्ट 2021 के अप्रैल महीने में आ जाएगा। प्राइस रहने वाला है 6,40,000 से लेकर 10,10,000 रुपए तक। वहीं दोस्तों, फिफ्थ नंबर पर है होंडा जैज। दोस्तों, होंडा जैज का एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली 8 लाख रुपए बेस मॉडल और 12 लाख रुपए टॉप मॉडल रहने वाला है। दोस्तों, होंडा जैज को भी 2021 के जनवरी महीने में इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं सिक्स्थ नंबर पर है टाटा टिगोर EV, जिसका न्यू फेसलिफ्ट 2021 के मार्च तक लॉन्च कर दिया जाएगा इंडियन मार्केट में। दोस्तों, टाटा टिगोर EV की एक्स शोरूम प्राइस 9,50,000 से 10 लाख रुपए तक रहने वाली है। वहीं दोस्तों, सेवन नंबर पर रहने वाली है रेन्यूड CT KZ, जिसका प्राइस 5 लाख से 6 लाख रुपए रहने वाला है एक्स शोरूम। बात करें लॉन्च होगी 2021 के जून महीने में। दोस्तों, एट नंबर पर है हुंडई AX, जिसका प्राइस एक्स शोरूम ओनली 4 लाख से 7 लाख रुपए रहने वाला है। दोस्तों, हुंडई AX 5-सीटर SUV रहने वाली है, जो लॉन्च होगी 2021 अक्टूबर में।